इतनी प्यारी लोकेशन मिली है यार, कसम से मैं आया था मेरे गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। आज मैं यहाँ आया था बीना मामा जी के यहाँ, तो अभी हम लोग यहाँ, हमारा खेत है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। मस्त आम का पेड़ लगा हुआ है, तो वहीं पके पके आम लगे हैं सब जगह, तो अभी तो वहीं चलते हैं तो देखते हैं। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप पिछला वाला वीडियो देखिए जाइए। और उस वाले वीडियो में मैं यहाँ आया था, कार से आया था, तो रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे थे तो मैं वहीं पे था। और ये बहुत प्यारी लोकेशन है यहाँ पे, तो अभी चलते हैं वहीं पे, बैठेंगे, बातें करेंगे और वीडियो बनाएंगे। तो वहीं पे आम लगे हुए हैं पके पके, तो आम भी खाएंगे। चलो चलते हैं। तो फिर मस्त यहाँ लोकेशन है, आम का पेड़ लगा हुआ है ये, और इसमें पकी कैरी लगी हुई है, आम लगे हुए हैं, झूला वगैरह डला है, और यहाँ पे चारों तरफ ऐसे खेत हैं पके आम। अरे यहाँ पके आम जे साए, तो आम में पके पके, अरे वो आमे दो यार वालो नीचे से फूट अभी बहुत पके। अरे यार जो जो नहीं सड़ो है वो दूसरे दो, तो अभी पके आम मिल गए। अगर आप लोगों ने दशहरी आम खाए हो तो बिल्कुल उसी की तरह ये आम है, आम के पेड़ में पक्का लगे लगे पक गया है। कैसा लगा? तो इतने मीठे लग रहे हैं, कुछ पूछो मत। तो अभी यहीं बैठे हैं हम लोग, सब मस्ती कर रहे हैं, गर्मी है तो घर पे लाइट वगैरह है, पर खेतों में बैठ के ऐसे गर्मियों में खेतों में बैठे रहो तो वो बात ही अलग होती है। तो अभी हम यहीं खेतों में थे, आम के पेड़ वगैरह लगे हैं, बगीचे में बैठे थे, मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो अभी तो हम यहीं पे बैठे हैं, शाम तक यहीं पे रहेंगे। मेरा आज वीडियो बनाने का मन नहीं था, पर मैंने बोला है डेली ब्लॉग डालूंगा, तो अब डेली ब्लॉग के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस वजह से गर्मी थी थोड़ी थोड़ी, तो अभी कुआँ है पास में तो देखेंगे, शाम को नहाएंगे उसमें। तो आज पूरी दोपहर भर ऐसे आमों पे चढ़े रहे और मस्ती करते रहे, तो अब अभी दिन भर से नहाया नहीं था, तो अब देखते हैं कुएं में नहाने के लिए उतर रहे हैं। तो देखो कुआ तो बहुत गहरा है, बहुत ही ज़्यादा, तो देखते हैं अगर उतर पाते हैं तो फिर नहाते हैं। तो चलो अभी तो नहाने के लिए देखते हैं, दिन भर से नहाया नहीं है अभी, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। बनाओ तो अगर आप लोग मुझे जानते नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आप धीरे धीरे जानने लगोगे, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग डालता हूँ। मेरा नाम सचिन कुशवाहा है, मैं लाइफ स्टाइल, ट्रैवलिंग और फैमिली ब्लॉग डालता हूँ। तो यार मैं हर रोज़ एक नई वीडियो डालता हूँ, तो जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, कोई लोग नए सब्सक्राइबर होंगे या नए व्यूअर्स होंगे जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए होंगे, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, या मेरी पुरानी वीडियो एक या दो वीडियो देख लो, तो आप मुझे जानने लगोगे। तो यार प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, आप पहली बार आए हैं मेरी वीडियो पे तो यार वीडियो पूरा देखिए, और मैं रोज़ न्यू वीडियो लेके आता हूँ, आपको पता ही है। तो अभी मैं वहाँ से एक लोकेशन से आया था, तो कार में पेट्रोल नहीं था, तो पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे पेट्रोल पम्प पे, तो मैंने कहा पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। अभी हम कुछ देर पहले कुएं में नहाया था, नहा के तैयार हुए, खाना हमने दोपहर में खा लिया था, तो अब नहा के तैयार हो गया मैं। कुएं में नहाया तो बहुत मस्ती की, बहुत देर तक नहाया, कम से कम आधे एक घंटे के समथिंग और ज़्यादा ही। तो अभी ऐसा है कि अब हम यहीं मार्केट है पास में, तो अभी घूमने जाएंगे, तो मैं शाम तक घूमने जाऊँगा। ये नीरज भैया हैं जो करमपुर बीना में रहते हैं, तो हाय गाइस तो ये लोग अभी बोल रहे थे घूमने चलेंगे, घूमने चलेंगे, तो अभी थोड़ी देर से यहाँ घूमने जाएंगे। और यहाँ पे बगीचा लगा है बहुत सारा,
यहाँ बोलते हैं खिमला से का किला है यहाँ कोई, तो वहाँ पे देखते हैं जाएंगे थोड़ी देर में, तो आपको मिलाऊंगा। और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं, तो अभी यहीं बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं, चाय माय पियेंगे थोड़ी देर से, तो नहा लें, नहा के तैयार हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कब तक निकलते हैं और जाएंगे, मैं जाऊंगा, मन जाएगा, मामा जी का लड़का, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे इतने सारे फूल फल और पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे फूल लगे हैं, बहुत सारे, कुछ पूछो मत, बहुत सारे पेड़े भी लगे हैं, पता नहीं काय काय के, अशोक के और जो भी है। ये लोगों को रात के लिए डाइनिंग टेबल लेके जा रहे हैं ये लोग, देसी तो पार्टी, देसी मुंबई जो ढाबा जो जो ढाबों पे लगी रहती है ना, वो ही लेके जा रहे हैं, तो रात में खाना इसी पे खाएंगे। तो चलो बढ़िया है, और जैसा भी है, तो मिलते हैं शाम को, मिलते हैं यहाँ घूमने जाएंगे तब मिलते हैं, बाय बाय। मैं आया था बीना, तो यहाँ करमपुर में एक इतनी प्यारी लोकेशन मिली है यार, कसम से यार, वीडियो बनाने के लिए ऐसी जगह यार कहीं बहुत कम देखने को मिलती है, इतनी प्यारी लोकेशन है, मैं कुछ पूछूँ मत यार, बहुत मस्त यार। यहाँ पे ये बना के रखा है इन्होंने, यहाँ पानी पे एक शंकर जी का मंदिर है, तो यहाँ पे हम लोग आए थे, तो बहुत प्यारा नज़ारा यार, कसम से यार, ऐसी लोकेशन मैंने बहुत कम जगह पे देखी है, बहुत ही प्यारा नज़ारा यार। तो अभी थोड़ी देर में मैं सिनेमैटिक शॉट डालूँगा, तो आप देखिए, तो अभी दर्शन कर लें यहाँ पे, बहुत प्यारी लोकेशन। इतनी प्यारी लोकेशन मिली है यार, कसम से, मैं आया था, मेरे मामा जी का लड़का आया था, अमन आया था, इतना प्यारा मौसम हो रहा है इस साइड पे, यहाँ पे ये पूरे तालाब के चारों तरफ ऐसे पार्ट बने हुए हैं, और यहाँ पे कमल, जो कमल का फूल रहता है ना, कमल गटा इसको बोलते हैं, तो उसके यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, यहाँ शंकर जी की पिंडी है बहुत प्यारी, और सामने हनुमान जी का मंदिर है। तो यार ऐसी लोकेशन मेरे को पहले कभी नहीं मिली, हाँ पहली बार मैं ऐसी लोकेशन पे आया हूँ, मैंने बोला था घूमने को जाना है, घूमने को जाना है, तो ये मैं घूमने के लिए आया था आज, वैसे कोई मन नहीं था मेरा घूमने को आने का, तो अभी शाम हो गई थी तो हमने लेट नहाया था, तो भैया बोले लगे चलो मंदिर चलते हैं, घूम के आते हैं, तो यहाँ पे घूमने आ गए, तो पता नहीं था मेरे को इतनी अच्छी लोकेशन मिल जाएगी यार, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, और अभी मैंने फ़ोटो लिए हैं, इतने प्यारे प्यारे फ़ोटो आए हैं, कुछ पूछो मत। हाँ तो मैं इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके मेरे इंस्टाग्राम को चेकआउट कर लेना, वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटो हैं, कुछ पूछो मत यार। और अभी एक लोकेशन है, तो हम वहाँ पर भी जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में हम वहाँ पर मिलते हैं, तो चलो यहाँ के अभी वीडियो डाल रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, तो आप बाद में मिलते हैं। बोला था कि मुझे घूमने जाना है, घूमने जाना है, तो मैं यहाँ घूमने आया था, बीना के पास है ये खिमलासा करमपुर, तो बहुत प्यारा मंदिर है, तो हम लोग यहाँ पे आए थे, मैं आया था, मामा जी का लड़का आया था, तो यार ऐसा सोचा नहीं था मैंने, मैं सोचा था छोटा मोटा मंदिर होगा कोई, तो ऐसा ध्यान नहीं दिया मैंने, तो पर यार यहाँ पे आया मैं और देखा इतना प्यारा मंदिर है यार, कुछ पूछो मत, और यहाँ पे बिल्कुल चारों तरफ इतनी साफ़ सफाई है, कुछ पूछो मत यार, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो यार वही मेरे को घूमना पसंद है, ऐसी ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ कोई नहीं गया हो, तो यार अच्छा लगता है मेरे को घूमना, तो और भी जगह की ऐसी मैं वीडियो डालूँगा, तो प्लीज़ यार वीडियो पूरा देखिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो यार प्लीज़ यार सपोर्ट करिए आप, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। यार इतनी प्यारी लोकेशन है यार, कुछ पूछो मत यार, मन ही नहीं भर रहा यहाँ से जाने का, तो यार आप देखना यार वीडियो फुल पूरी देखना, इतनी प्यारी लोकेशन है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा कसम से यार, अभी वहाँ मंदिर पे थे हम, तो वहाँ पे वीडियो बनाई, तो यार चलो ठीक है, अभी फ़ोटो शूट हो रहा है, तो ये लोग लड़ रहे हैं कि पहले मेरा फ़ोटो, तो अब देखते हैं कौन की फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो भी इसी मोबाइल से खींचना है, तो
तो अब चलो चलते हैं, दूसरी लोकेशन पे चलते हैं। और यार अभी मैंने फ़ोटो लिए हैं, मैं फ़ोटो लगा दूंगा आपके लिए। तो यार पता है ऐसा लग रहा है, यहाँ पे आया था मैं तो कैमरा लेके आया था, फ़ोटो शूट करा था, इतना प्यारा फ़ोटो शूट होता है यार। तो अब देखते हैं कब तक होगा। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे को वीडियो मिलो चैनल पर डाल देना। तो अभी हेलो गाइस, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना प्लीज़ यार, और वीडियो पूरी देखना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, तो चलो चलते हैं। वो तो और अच्छे सीन है, समझ रहे, पहले कहानी बताइए अपन काला जाते हैं बेटा, हमारे तो जो मुक्ति धाम और देखना उसमें। ये स्तंभ है देखो जैन मंदिर। यहाँ पे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो यहाँ पे अभी लॉकडाउन खुला नहीं है, यहाँ पे 6 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा, पर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शॉप्स खुली हैं। तो अभी यहाँ का पता नहीं कब तक खुलेगा, और यहाँ पे बढ़ भी सकता है क्योंकि यहाँ पे केस थोड़े ज़्यादा हैं यार। पता है आज मैंने सोचा था कि मेरे को कोई कॉन्टेंट नहीं है, घर पर ही रहूँगा, वीडियो बनाऊँगा और ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा वीडियो में, पर यार अभी शाम को यहाँ घूमने निकले ना हम, तो इतनी प्यारा कॉन्टेंट मिल गया यार वीडियो बनाने के लिए, इतनी प्यारी लोकेशन मिल गई। तो यार आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, तो मैं ऐसे रोज़ नई नई वीडियो लेके आता हूँ, तो आप प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए। अभी मैं जहाँ पे गया था ना, तो वहाँ पे थोड़ा हम पहुँचते पहुँचते लेट हो गए, उस वजह से वीडियो नहीं बना पाए। तो यार बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत प्यारी लोकेशन थी वहाँ पे, पता है बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा था मैं वीडियो बना लूँ, पर यार वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी मैं 10 या 12 दिन में दोबारा से आऊँगा, तो यहाँ पर दोबारा वीडियो बनाऊँगा। तो यार प्लीज़ यार आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। तो अभी हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो अभी खाना वाना खाएंगे। तो वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि थोड़ा उजाला कम है, लाइट वगैरह नहीं है वहाँ पे सही से। तो यार आप ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आपके लिए हर रोज़ नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।